पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पिन इरिटेट कर रहा है आपको? हटा दो ना। आई कैन नॉट रिमूव दिस हेयरपिन। ये पुश्तैनी हेयरपिन है। तुम्हारी दादी ने मेरी शादी के वक्त मुझे यह हेयरपिन गिफ्ट करी थी। दादी जी ने आपको आपकी शादी में दी थी, तो मेरी शादी पे आप मुझे ही गिफ्ट करेंगी। टीचर, प्लीज तुम लगा दो। यू डू इट परफेक्टली। Thanks, my love. Let's go. Huh? Excuse me. I'll see you, mom. अब देखिए ना, बिना किसी एफर्ट के मुझे ये खिताब मिल गया। दिल्ली's most influential woman. कोयल का होने वाला हस्बैंड, उसने कोयल की बहुत तारीफ करी। फिर क्या? हमारे लिए विनर डिसाइड करना बहुत सिंपल था। गार्गी, I just saw यहाँ पर क्या क्या हुआ। हम इस भीड़ से दूर कहीं और जाकर आराम से बात करते। तुम चलो मेरे साथ। Listen, trust me, you will feel better. चलो। आओ। मेरी युविका वहाँ अकेली है। हाँ, मैं कब तक ठीक होऊंगी? गार्गी, तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर ही मैं समझ गई थी कि पिछले कुछ दिनों से सृष्टि और कोयल जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे हैं ना, तुम बहुत अपसेट हो। इनफैक्ट सृष्टि के गिफ्ट्स नहीं देखकर तो मैं समझ गई कि वो तुमसे आगे निकल गए हैं। नहीं, मतलब अब हमें सबके सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम सब गेस्ट के सामने इतनी एम्बैरस्ड फील कर रही हूँ। हो सृष्टि दिखावे के लिए इतने सारे गिफ्ट्स ले आई, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो कोयल, उसने तो मेरे बालों से मेरी गिफ्टेड हेयर पिन निकाल ली। I'm so so embarrassed. एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं इतने कम समय में बड़ी डायमंड रिंग कहाँ से लाऊंगी? इफ यू डोंट माइंड ना, कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? कौन? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज मेरे डीजे भैया का एंगेजमेंट है, तो इस खुशी के मौके पर छोटी सी परफॉर्मेंस अपने डीजे भाई को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ईशा, नहीं, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा प्रोफेशन है और मैं यही करती हूँ। वैसे भी इस घर में मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो एटलीस्ट मैं वो करूं जो मुझे आता है, लोगों को एंटरटेन। सुभद्रा जी, मिसेस महाजन, आप यहां? प्लीज कम इन। All good? Actually, कोई बात है? Come on, please, बोलिए ना। गार्गी,
Don't hesitate. Yukti is very sweet. अब तुम्हें जो भी कहना है ना, कह दो. Actually, Yukti, मुझे वो बड़ी डायमंड वाली रिंग चाहिए थी. Why? प्लैटिनम है, जानती है ना. प्लैटिनम तो सोने से भी महंगा होता है. और ये है घड़ी. हाँ, इसवीस का घड़ी है. ओके, वन सेकेंड. Mrs. Mahajan, I totally understand you. ये आपकी इज्जत, आपकी आन शान की बात है. एंड उसके खातिर आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस दिस अलेक्जेंड्रिया डायमंड. बट यू नो वॉट, दिस इज द बेस्ट इन माई कलेक्शन. बट एनी वेज, देयर यू गो. स्वीट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, आई थिंक आपको अब जल्दी से पार्टी में जाना चाहिए. यू नो, आफ्टर ऑल द पार्टी इज फॉर यू. एंड एनी विच वेज, मुझे एयरपोर्ट ले निकलना है. यू नो, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ. आप अभी बाहर जा रही है? यू विल नॉट कम फॉर अ पार्टी. मिसेस मार्जन, आई एम नॉट इन्वाइटेड. सो आई एम इन्वाइटिंग यू. यू आर गोइंग टू बी माई गेस्ट ऑफ ऑनर. यू हैव टू अटेंड. Okay, if you're insisting, okay. Thank you so much. I'll be eagerly waiting for you. Sure. Thanks. अब आएगा मजा. पंडित जी का कहना है कि सगाई का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है. मिस मुल्तानी, आप शायद भूल रही हैं, दिग्विजय की सगाई का यह महोत्सव एक पारिवारिक और निजी मसला है जिसमें बाहर वालों का आना वर्जित है. क्यों? यही स्पष्ट कहा था ना आपने कि बिजनेस और परिवार को अलग रखा जाए तो ही बेहतर है. बात यह है कि बिजनेस पार्टनर्स के बीच जो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच की जो लाइन होती है ना, मैं उसे क्रॉस नहीं करना चाहती. दिग्विजय की शादी तय हो चुकी है कोयल वर्मा के साथ और हम भी आपको उसमें आमंत्रित नहीं करेंगे. दादा बाबू, युक्ति मुल्तानी मेरी स्पेशल गेस्ट है. आइए, लेट्स स्टार्ट द एंगेजमेंट. आइए एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करते हैं. मुहूर्त निकला जा रहा है. हाँ हाँ, प्लैटिनम है, जानती है ना. प्लैटिनम तो सोने से भी महंगा होता है. सृष्टि जी, इस रिंग में जो आप डायमंड देख रही है ना, वो तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही सुना होगा. ये एक्चुअली आम मार्केट में मिलता नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोग ट्राई करते हैं इसे खरीदने के लिए, उन्हें भी नहीं मिलता. आपकी बेटी कोयल के लिए, माई चॉइस.
the most beautiful diamond of the world. चलिए शुरू करते हैं. मुहूर्त निकला जा रहा है. कोयलिया इले चल पहना दे डीजे बबुआ को. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.